नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। हिमाचल प्रदेश में आगजनी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन जैसे कि आग लगने की जैसी खबरें हैं वो सामने आती रह रही हैं। जो ताज़ा मामला जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला से सामने आया है, आपको बता दें कि शिमला के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड टूटीकंडी स्थित टाटा शोरूम में आज सुबह तड़के करीब 4:30 बजे टाटा के शोरूम में भयानक आग लग गई। बता दें कि आग बेहद भयंकर थी। तो बता दें कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग भड़की है, जिसमें कि आग के से स्पेयर पार्ट्स पूरी तरह से जल गए। सो इस आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि जो दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर जो सामान पड़ा हुआ था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया, पूरी तरह से जल गया। सो बता दें कि साथ ही दो गाड़ियां टाटा पंच और टियागो एप्लॉयड फॉर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। बता दें कि आग लगने से करीब 40 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल इसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो बेहद ज़्यादा है। बहरहाल फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया तो उन्होंने कड़ी मशक्कत के साथ इस आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल जो कि जो घटना में लाखों रुपए का नुकसान आग की भेंट में चढ़ गया है, इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सो आग लगने के तरह की घटनाएं कुछ दिन पहले भी हिमाचल प्रदेश में हुई थी। सो इस बार अभी की जो ताज़ा खबर है कि शिमला में यह जो घटना सामने आई है, शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से शिमला के इस शोरूम में आग लगी है। बता दें कि आग की सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड को मिली, तुरंत जो कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। सो गनीमत यह रही कि इसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है।